मैं जीबनज्योति आप लोगों को आपके YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों मैंने ये चैनल के जरिया में आप लोगों के पास स्टॉक मार्केट के इंफॉर्मेशन, उसके अपडेट और स्टॉक मार्केट के टिप्स शेयर करूंगा। तो दोस्तों आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैंने जब नया वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। दोस्तों हम इसी वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे निफ्टी 11,570 पे जाके बंद हुआ है और उसी दिन 19 पॉइंट ऊपर जाके ये बंद हुआ है। तो दोस्तों निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनी है वो 50 कंपनी में 25 कंपनी ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग दिए हैं और 25 कंपनी नीचे की तरफ जाके क्लोजिंग दिए हैं। तो दोस्तों FII और DII में कितना बाइंग और सेलिंग आया है चलिए उसका रिपोर्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों देखने के लिए ये प्रोडक्ट टैब के अंदर इक्विटी सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको इक्विटी का डिटेल दिखेगा। इसके बाद ये जो करंट मार्केट रिपोर्ट है इसको एक्सपैंड कीजिए और ये नीचे आपको दिखेगा व्यू ऑल एंड ऑफ द डे रिपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको सारे डेली का रिपोर्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे देखिए FII एंड DII ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑन NSE, BSE एंड MSCI लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको FII ने कितना बाइंग और सेलिंग किए हैं और DII ने कितना बाइंग और सेलिंग किए हैं उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। तो दोस्तों FII ने 5,205 करोड़ का बाइंग किए थे और 4,951 करोड़ का सेलिंग किए थे। तो दोस्तों नेट नेट अगर आप देखेंगे 254 करोड़ का बाइंग आया है FII का तरफ से। दोस्तों अगर आप DII का रिजल्ट देखेंगे तो 3,742 करोड़ का बाइंग आया था और 3,545 करोड़ का सेलिंग आया था। तो दोस्तों यहाँ पे नेट नेट 197 करोड़ का ये बाइंग आया है। तो दोस्तों FII का तरफ से बाइंग आया है और DII का तरफ से भी बाइंग आया है, तो दोनों का बाइंग अगर आप मिला देंगे ये लगभग 450 करोड़ के आसपास बाइंग आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम निफ्टी का चार्ट देख के समझते हैं कि निफ्टी चार्ट के हिसाब से ये कहाँ जाने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने डेली का चार्ट ओपन किया है निफ्टी का। तो दोस्तों ये देखिए अगर आप ये ट्रेंड लाइन को देखेंगे, मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, इसके ऊपर जब तक निफ्टी है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए कुछ दिनों से ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया था, ठीक है, लेकिन अभी धीरे धीरे फिर से बाइंग का सिग्नल देके यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके अभी ट्रेड करने लगा है। तो दोस्तों ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ये एक टाइप का हैमर पैटर्न कैंडल है। तो दोस्तों ये हमको सिग्नल देता है कि ये निफ्टी और ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा और FII एंड DII का दोनों का बाइंग आ रहा है, तो ये हमको ज्यादा कन्फर्म कर रहा है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए निफ्टी 11,550 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ये हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल है क्योंकि ऊपर जाने की हमको सिग्नल देता है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट का लाइन ड्रॉ किया है, रिट्रेसमेंट का लाइन के हिसाब से ये 61.8% रिट्रेसमेंट का लेवल 11,750 पे आ रहा है। तो दोस्तों हमारा जो अगला टारगेट होगा वो 11,750 होगा, लेकिन दोस्तों हम 100-100 पॉइंट का रेंज पे टारगेट लेके चलेंगे। तो हमारा पहला जो टारगेट था वो 11,500 का था जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अभी देखिए हमारा दूसरा जो टारगेट आएगा वो 11,600 पे आता है, तो 11,600 इसी लेवल पे आ रहा है, ये लेवल पे। अगर ये 11,600 का लेवल को क्रॉस करता है तो फिर 11,700 का लेवल हमारा टारगेट रहेगा जो कि ये लेवल पे आ रहा है, देखिए ये लेवल के आसपास। और ये 11,700 का लेवल जब क्रॉस करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये 11,750। तो दोस्तों इसी हफ्ते के अंदर ये 11,650 का लेवल तक आ जाना चाहिए। तो ये चार्ट को देख के पता चल रहा है कि निफ्टी और ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा और FII एंड DII दोनों का तरफ से बाइंग आ रहा है, तो ये हमको पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है कि ये और ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी का एनालिसिस। अगर आप लोगों को और कोई स्टॉक के बारे में एनालिसिस करना है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के भेज दीजिए, मैं एनालिसिस करके आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट के किताब खरीदना है तो मैंने मेरा डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दो लिंक शेयर किया हुआ है, आप वो लिंक को क्लिक कर दीजिए तो आपको जो किताब चाहिए आप वो किताब वहां पे खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट का क्लास ज्वाइन करना है तो मैंने मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे शेयर किया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।